हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे कि इनवर्स होता क्या है। जो इनवर्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अलग अलग ऑपरेशन के लिए इनवर्स अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है। अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन होगा, एडिशन, तो किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करेंगे कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। सो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? नल मैट्रिक्स। आप जाके देखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, जहां हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ाए होंगे वहां पर आप देखिएगा कि हम पढ़ाए होंगे द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा वह नल मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन होता है कि अगर एडिटिव इनवर्स पूछे तो किसी मैट्रिक्स में क्या एड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से हम गुना करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों आ जाए? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, सो मैट्रिक्स के सेट के लिए, मैट्रिक्स के सेट के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वह आपको होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन हो गया? यूनिक मैट्रिक्स, आई। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आई आ जाए। सो अगर ए में बी से गुना करने पे आई आ जाएगा तो ए का इनवर्स बी कहलाएगा और बी का इनवर्स ए कहलाएगा। उसी तरह से अब ये डिफाइन होगा। अब यहां पर जब इसको समझ गए हैं तो अब हम इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर ए 2/2 का है तो बी भी 2/2 का होना चाहिए, ए अगर 3/3 का है तो बी भी 3/3 का होना चाहिए। कतई इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर एंड आगे आपको क्या कहता है कि यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर है तब उसके बाद कहता है एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए। आई एन यहां पर एनएफ ऑर्डर का आपको यूनिक मैट्रिक्स दिखाता है, सीधे आई लिखे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आई एन दिखाता है एनएफ ऑर्डर ऑफ एनएफ ऑर्डर का यूनिक मैट्रिक्स, है ना, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनएफ ऑर्डर। So, अब यहां पर जब ये डिफाइन हो गया ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, देन ठीक है ए एंड बी आर, ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ इच अदर, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ इच अदर, एक दूसरे का क्या कहलाता है? इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट किया जाता है सो देखिए, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, ए का इनवर्स ये हो गया, बी का इनवर्स ये हो गया। इन एबव डिफिनेशन, वहां जो डिफिनेशन है या सीधे हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, यदि आई हो जाए, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए, है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, तब हम
कह सकते हैं कि ए का इनवर्स बी है एंड बी का इनवर्स ए है, ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए। सो दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तब दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या कहलाएगा आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाइनरी ऑपरेशन जाके जब पढ़िएगा तो बाइनरी ऑपरेशन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट डिफाइन होता है। ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी जब हम पढ़ाए होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको हम एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम वहां जिक्र किए होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये देखना है ये ए इनवर्स और बी इनवर्स का वैल्यू निकलता कैसे है। तो सबसे पहले एक इस तरह के प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, और यह बराबर होता है आपको डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये आप पढ़ चुके हैं। अब आप गौर करिए इसमें यहां पर यूनिट मैट्रिक्स है और यहां जो डिफिनेशन है यहां पर अकेले यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन वहां क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पर सिंगल यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमको उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि सिंगल यूनिट मैट्रिक्स वहां बचे। तो सिंगल यूनिट मैट्रिक्स कैसे बचेगा, तो ये जो है आपको इधर आके डिवाइड होगा, तो ये लिखाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, ऐसे। और इस बार क्या करते हैं, एडजॉइंट ए को ही हम इधर रहने देते हैं और ए के नीचे डिटरमिनेंट ए लिख देते हैं और यहां अब आपको आई एन लिखे, ठीक है। अब आप गौर करिए ए बी, ए बी इज इक्वल टू आई लिए तो ए इनवर्स बी के बराबर, तो ए यहां पर, इसलिए फ्रॉम डिफिनेशन, फ्रॉम डिफिनीशन से ध्यान दीजिए, डिफिनीशन से क्या हो रहा है, ए और बी की जगह कौन ले लिया, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, तो यहां पर हो गया फ्रॉम डिफिनीशन ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो बी की जगह पर है एडजॉइंट ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ए, ये आपको ए इनवर्स निकल गया आसानी से। एंड अब एक बात देखिए, बी इनवर्स, तो गौर करिए कि बी की जगह कौन है, बी ए, बी ए, तो बी इसको नाम दिए एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ए का अगर हमसे इनवर्स पूछ दे, एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, अभी यहां देख लिए ए बाय डिटरमिनेंट ए। सो अगर आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछ देगा तो क्या निकलेगा, ए बाय डिटरमिनेंट ए, मतलब मैट्रिक्स को उसी के डिटरमिनेंट से भाग दे देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट आसानी से एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाल सकते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स को उसी के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो एडजॉइंट ए का आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो ये रूल आप याद रखिएगा। अब देखने वाली बात यहां यह है कि ये जब ए इनवर्स का वैल्यू यहां निकल गया एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, तो ये तो रेशनल फॉर्म में है, पी बाय क्यू के फॉर्म में है, और जब पी बाय क्यू के फॉर्म है तो आपको पता होता है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ये डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे यहां ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट Only if determinant A is not equal to zero, that is A is non-singular. A क्या होना चाहिए, non-singular, तभी जाकर के आपको A का inverse exist करेगा। ये आपको याद रखना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो जब वह नॉन सिमिलर हो, इट मींस उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो, है ना, डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं हो, ये ध्यान रखना होगा। तो आप यहां डिफिनेशन समझ गए हैं कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा।
तो आपको एडजॉइंट ए दोनों तरीके से आपको पहले ही सिखा चुके हैं, मेथड से भी और शॉर्टकट ट्रिक से भी। सो एडजॉइंट ए अगर शॉर्टकट ट्रिक से हमको निकल गया तो उसके डिटरमिनेंट ए से भाग दे देंगे, तो हमको ए इनवर्स निकल गया। ये सब्जेक्टिव बे के लिए सही है, जहां ऑप्शन नहीं मालूम हो वहां के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन ऑलरेडी दिया रहे तब हमको तो वो शॉर्टकट भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑप्शन से हम चेक करेंगे, चेक करना सीख लेंगे। कैसे हम आगे देखते हैं, पहले यहां समझ लीजिए। ये तो आपको डिफिनेशन निकल गया, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ए, और एडजॉइंट ए का इनवर्स हो गया ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ए। अब आगे आइए, अब हम लोग ए इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आपको इनवर्स निकालना भी सिखा देंगे। निकालना कोई टफ काम नहीं है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इतना तो कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं पहले कि इनवर्स आप समझ गए कि एडजॉइंट कैसे निकलता है और एडजॉइंट निकाल करके डिटरमिनेंट से भाग दे देना है। सो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स देखते हैं। आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मीन्स एबल टू इन्वर्ट, इनवर्टिबल है ना, इनवर्टिबल एबल टू इन्वर्ट एनी मैट्रिक्स हुज इनवर्स कैन बी फाइंड इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो सेड टू बी इनवर्टिबल इफ ए इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, ये तभी होगा इनवर्टिबल जब आपको ए क्या हो, नॉन सिमिलर हो, दैट इज डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वो इनवर्टिबल कहलाएगा, अदरवाइज इनवर्टिबल नहीं कहलाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास ये है, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी समझिए यहां से, सेकेंड ये है कि ए इनवर्स है और उसका फिर से इनवर्स निकाला जाए, ये आपको ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, सिंस अभी अभी आप पहले पढ़े थे इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, है ना, ऐसे इंप्लाइज दैट, इससे रिजल्ट क्या आया था, ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। अब देखिए, B इनवर्स इक्वल टू A है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इनवर्स इक्वल टू A। अब B के बदले कितना है यहां मिलिए, तो A इनवर्स, इसको आके इसमें आप रख दीजिए ऐसे, देखिए ये A हो गया। सो डबल इनवर्स करने पे आपको ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा रिजल्ट और भी इससे जनरेट होगा, क्या होगा जनरेट, सो देखिए, एक तो ये हो गया, तीसरा नंबर इससे क्या जनरेट हो सकता है ये देखिए। अब आप समझ चुके हैं कि ए तो ए है, ठीक है, लेकिन बी के बराबर कितना है, ए इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ऐसे, बराबर बी के जगह पे फिर से ए इनवर्स पुट कर दें, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। सो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से करें तो वह यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हमको मिलेगा। अब आपका चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, फोर नंबर प्रॉपर्टी, देखिए क्या है इसमें, फोर नंबर प्रॉपर्टी है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा देखिए, अब जहां कहीं भी हम प्रॉपर्टी जब लिखने जा रहे हैं, यहां सारा नॉन सिमिलर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी अब चल रहा है, जो कुछ भी प्रॉपर्टी चल रहा है वो नॉन सिमिलर, इट मीन्स अब ए भी यहां नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, यहां बी भी नॉन सिमिलर है, सी भी नॉन सिमिलर है, ये यहां हम क्लियर कह रहे हैं। तो अब यहां ए बी इक्वल टू अगर ए सी है, तो देखिए इधर लेफ्ट साइड ए, लेफ्ट साइड इधर भी ए, तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं बी बराबर सी, और इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, ए ए कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ कैसे, तो आप दोनों तरफ लेफ्ट से ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर भी ऐसे, है ना। अब ए इनवर्स ए कितना पढ़े, आई, इधर भी आई, और आपको पता है
कि यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बी इक्वल टू सी आ गया। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों साइड ए ए लेफ्ट में है तभी कैंसिल होगा। सो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है ए बी इक्वल टू सी ए तो आप ए ए को कैंसिल कभी भी मत करना, बी बराबर सी ये रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा ऐसा करना। ये सही है, ये राइट है, वो रॉन्ग है, ठीक है। अब पांचवा नंबर है बी ए इक्वल टू अगर सी ए दे दिया तब देखिए ए यहां भी राइट है और यहां भी राइट है। जब राइट है तो अब यहां से देखिए क्या होगा, ये ए ए हटेगा और रिजल्ट आ जाएगा बी बराबर सी, और इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, क्योंकि राइट से कैंसिल हुआ तो राइट कैंसिलेशन लॉ, ये लेफ्ट से कैंसिल हुआ तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब आपको सिक्स नंबर प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी समझिएगा। अगर आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछता है, एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो इसके बदले आपको हम बता चुके हैं कि एडजॉइंट ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एडजॉइंट ए निकाल करके तब इनवर्स कीजिए, चाहे ए इनवर्स निकाल के तब एडजॉइंट करिए, दोनों बराबर है। लेकिन इस पूरे के बदले आपको सीधा सीधा हम सिखा दिए हैं कि ए बाय डिटरमिनेंट ए होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के डिटरमिनेंट से डिवाइड करने पर एडजॉइंट ए का इनवर्स निकल जाता है। नेक्स्ट आगे आइए, अगला प्रॉपर्टी अब देखते हैं, सिक्स के बाद हमारा सेवन नंबर प्रॉपर्टी जो है उस पर फोकस करते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसको आपको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। सेवन नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, क्या है सो देखिए। सेवन नंबर है कि कोई के आपको नंबर है, के कोई नंबर है, नन जीरो नंबर, जीरो नहीं है ये, के नन जीरो नंबर, और तब आपको के ए लिख करके इसके ऊपर इनवर्स दे दिया। तो ये आपको जब के बाहर आएगा तो ये वन बाय के हो जाएगा, और ये आपको ए इनवर्स ऐसे ही लिखा जाएगा, वन बाय के ए इनवर्स। के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के कोई नंबर है लेकिन आपको नन जीरो है। आठवां नंबर रिजल्ट देखिए क्या है, आठवां नंबर में आठवां कहता है कि अगर आपको ए बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स, तो ये आपको लिखा जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ये रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स हो गया, रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स, रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आपको और भी बढ़ा दिया जाए, ए बी सी ऐसे दे दें, इन जनरल ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक भी दे दें, तो भी आपको रिवर्स ही लेना है, ये सी इनवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इनवर्स होने पे उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन नंबर प्रॉपर्टी है, नाइन नंबर है इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हालांकि अब जहां कहीं भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब में आपको नॉन सिंगुलर ही कह रहे हैं, तो कहीं भी आप सिंगुलर अब नहीं समझिएगा यहां, इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, देन अगर हमको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ देता है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वन बाय डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वन बाय डिटरमिनेंट ए, तो मैट्रिक्स लेके दे दिया और उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ दिया, तो ये नहीं करना है कि अब उसका इनवर्स निकालेंगे तब जाके डिटरमिनेंट निकालेंगे, नहीं, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसको बस केवल रेसिप्रोकल कर देना है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो वन बाय डिटरमिनेंट ए हो गया। नेक्स्ट नंबर आगे अगर हम बढ़े इसमें, ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो देखिए क्या रिजल्ट आना है आगे, ठीक है ना। ये टोटल प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप लोग समझिए, देखिए क्या हो रहा है ना। नाइन के बाद आपको दसवां नंबर प्रॉपर्टी है, इफ ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कहते हैं तो अपने आप इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और डिटरमिनेंट की बात आएगा तो स्क्वायर होना जरूरी है, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, चाहे सीधे लिख दीजिए नॉन सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बात है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ठीक है ना, यहां पर आपको हम बता रहे हैं ए टू दी पावर एम का इनवर्स हो, चाहे ए इनवर्स निकाल के पावर एम कर दीजिए, रिजल्ट आपका क्या होना है, बराबर होना है, सेम होना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए
अगला प्रॉपर्टी जो है आपका 11 नंबर प्रॉपर्टी। 11 नंबर क्या है कि अगर आपको कहीं ए लेकर के दे दिया, ए एक मैट्रिक्स है जो लेकर के दे दिया आपको ऐसा ए बी और सी डी, ये ऑर्डर टू का है, और तब इसका आपको ए इनवर्स पूछ दे तो ऑर्डर टू वाला का इनवर्स निकालना बड़ी आसान है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, तो वन बाय ए डी ए डी माइनस बी सी ऐसे लिख दिए, और उसके बाद क्या करना है सो देखिए, इसको यहां कर दीजिए इसको यहां, तो डी ये ए यहां आ गया, और इस दोनों का साइन चेंज कर देना है, तो माइनस सी यहां और माइनस बी यहां। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑर्डर टू का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है, बहुत इजी से निकाला जा सकता है। 12 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। 12 नंबर कहता है कि यदि आपको ए बराबर कहीं पे डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया इस तरह से ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी ऐसे दे दिया, जिसको आप चाहें तो शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते डी आई ए जी, ऐसे ए बी और सी इस तरह से लिख दीजिए, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। देन ए इनवर्स अगर आपको पूछ देता है ए इनवर्स, तो आपको इस सबको रेसिप्रोकल वन बाय ए जीरो जीरो है ना जीरो वन बाय बी जीरो फिर जीरो जीरो वन बाय सी, अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लिखिएगा ये आपको डायगोनल यहां पर ऐसे आ गया, और ये ए का ऊपर माइनस वन बी का ऊपर माइनस वन सी का माइनस वन, यही हो गया वन बाय ए वन बाय बी वन बाय सी। सो डायगोनल मैट्रिक्स दे दे तो उसका इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, और इस पर पावर बढ़ेगा तो यहां भी पावर बढ़ जाएगा, सब जगह पावर बढ़ जाएगा। मान लिया यहां टू है तो स्क्वायर 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 हो जाना, थ्री है तो क्यूब 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 हो जाना, ये प्रॉपर्टी आप सुन के समझ गए होंगे। अब सुनिए कुछ प्रॉपर्टी और इसका कैरेक्टर क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल ही होना है, बस ऐसे हम लिखते हैं ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक ही होगा, ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, इसी में एक साथ हम सब कर देते हैं, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, तो ए इनवर्स इज एन ए एस्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन याद रखिएगा ये इवन ऑर्डर का ही एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऑड ऑर्डर वाला का तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है ना। तो याद रखना है आपको कि ये तभी वैलिड होगा जब कैसा होगा, इवन ऑर्डर वाला होगा और नॉन सिमिलर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए सी नंबर क्या है, कहता है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे दे दिया यहां ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इज डायगोनल हो गया, ए इनवर्स इज डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और अगर आपको ए इज ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स भी आपको ऑर्थोगोनल होना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, ए इज स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको ए इनवर्स भी आपको क्या होना है, इज स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये आप जो प्रॉपर्टी देखे हैं यहां, टोटल 13 प्रॉपर्टी आपको हम यहां एक्सप्लेन कर दिए हैं, और भी कई तरह के डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14 हम एक ले लेते हैं, 14 क्या है सो देखिए, 14 अगर कहीं हमको एबीसी इज इक्वल टू एक्स लेके दे दिया, ए बी सी इक्वल टू एक्स, तो यहां से देखिए क्या क्या रिजल्ट होगा। अगर हमको ए चाहिए, हमको क्या चाहिए ए, तो ए अगर चाहिए तो ए बराबर, अब हमको किसको हटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए किसको हटाना पड़ेगा, बी सी को, बी सी को हटाना है तो सबसे पहले सी हटेगा,
सी हटेगा तो ये इधर आके, चूंकि ये राइट साइड है तो सी इधर भी राइट साइड, सी इनवर्स लिखाएगा। उसके बाद कौन हटेगा? बी, तो फिर बी इनवर्स। ये हुआ कैसे ठीक से समझिएगा। सबसे पहले हमको अगर ए चाहिए तो बी और सी को हटाना पड़ेगा। बी और सी को हटाने के लिए हम पहले सी इनवर्स से राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां भी राइट साइड सी इनवर्स से कर दी। अब सी सी इनवर्स आई हो गया, आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच गया ए बी, तो फिर बी इनवर्स से गुना कर दिए। इधर भी हम सी इनवर्स बी इनवर्स से गुना कर दिए। अब ये बी बी इनवर्स फिर क्या हो गया? आई, तो अकेला ए बच गया, एक्स सी इनवर्स बी इनवर्स निकल गया। अब यहां से देखिए और क्या क्या निकलेगा। ए निकल गया। अगर हमको बी चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए? बी। तो बी चाहिए तो सबसे पहले इधर से ए हटाना होगा, तो ए इधर आके गुना होगा, तो ए इनवर्स इधर आके ए इनवर्स लिख दिए इसको ऐसे। फिर बीच में ये एक्स रहा, सी राइट साइड में है तो सी भी इधर से राइट साइड सी इनवर्स हो गया, क्लियर हो गया गुना। ए लेफ्ट में था तो इधर लेफ्ट में ए इनवर्स, सी राइट में है तो उधर राइट में सी इनवर्स, बस गुना कर दिए दोनों तरफ, रिजल्ट हमको बी निकल गया। अगर हमको सी चाहिए, सी तो सी हटाने के लिए सी चाहिए, किसके हटाना पड़ेगा? ए और बी को। तो सबसे पहले ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाएंगे कैसे? तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करेंगे। तो पहले ये ए इनवर्स से गुना होगा और ये एक्स तो ऑलरेडी है ही, अभी भी बी बाकी है, तो फिर बी इनवर्स से गुना होगा। गौर करिए, बी इनवर्स ए इनवर्स एक्स, आराम से निकल रहा है। देखिए इस सारा प्रॉपर्टीज आपको इनवर्स से रिलेटेड है। अब इनवर्स पे आधारित आपको कई तरह के प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं। ऑर्डर थ्री का आपको निकालने देगा। मान लीजिए कि कहीं अगर इनवर्स निकालने दे दिया तो आपको करना क्या है? ऑर्डर थ्री का कोई मैट्रिक्स अगर दे दे और उसको आप शॉर्टकट ट्रिक से जानना चाहते हो कि कौन उसका आंसर होगा, तो आपको वहां चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा। तो पहले करना क्या है कि गिवन मैट्रिक्स ये हो गया, इधर हमको ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रिक सुन लीजिए क्या करना है, ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिक कि अगर ये हमारा ए इनवर्स ऑप्शन है और इधर ये ए है, तो हमको क्या करना, इधर से रो लेना है पहला रो, इधर से पहला कॉलम लेना है। ये पहला रो और पहला कॉलम को गुना करने पर फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम अगर हम गुना करते हैं दोनों में और सबको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं सबको, तो ये सॉल्व होके वन आना चाहिए, वन। सो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करने पे अगर वन आया तब हमको आगे चेक करना है, और अगर वन नहीं आया तो हम चेक नहीं करेंगे, सीधे कट कर देंगे, वो नहीं होगा आंसर। अब अगर मान लीजिए कि पहला रो को पहला कॉलम से गुना करने पे वन आ गया, तो हमको फिर क्या करना है, सेकेंड रो और इधर का सेकेंड कॉलम ले लेना और उसको भी गुना कर करके ऐड करना है, देखना है एक आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो और अच्छी बात है, और इधर का थर्ड रो इधर का थर्ड कॉलम गुना करने पे एक आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वही हमारा आंसर है, वही हमारा क्या है, आंसर है। जिसमें ये एक नहीं आएगा उसमें ये फेल कर जाएगा, तब वो इनवर्स होगा ही नहीं। सो इनवर्स चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जब हम स्मार्ट बोर्ड लेंगे, इस पर क्वेश्चंस का एक साथ हम ढेर सारा लेंगे, तो वहां पर आपको बहुत आसान होगा चेक करके दिखाना, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है, इसलिए हम उस तरह कभी अगर हम लेंगे कोई मैट्रिक्स तो उसके चारों ऑप्शंस याद रहे, रट्टा मार के रहे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर पहले हमको निकाल के दिखाना होगा, निकाल करके तब हमको वेरीफाई करना होगा, तो टाइम टेकिंग होगा। सो आप चाहें तो खुद जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आंसर आपको मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन लेके आपको दे दिया ऐसे, इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और तब आपसे पूछ दिया देन ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, हमको आई चाहिए तो सबसे पहले आई ऐसा ही रखे, इसको उठा के उधर ले गए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए लिख दिए, लिख दिए। अब हम क्या किए, आई ठीक है, माइनस ए कॉमन ले लिए, जब माइनस ए कॉमन लिए तो ये ए बचेगा प्लस आई बचेगा। देखना ये है कि ये माइनस इसके साथ है तो थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस ए प्लस आई ऐसे लिख दिए। अब आप ही देखिए कि a इंटू बी, बी की जगह ही पूरा है,
तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा जो ए के साथ मल्टीप्लाई है वही। तो इसलिए अगर हमको ए इनवर्स चाहिए ये माइनस ए प्लस आई लिखा गया, माइनस ए प्लस आई हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, ढेर तरह के इस पर प्रॉब्लम्स होंगे। तो जब हम अगला वीडियो आपको लाएंगे तो उसमें आपको इनवर्स बेस्ड प्रॉब्लम सभी, अभी हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट समाप्त होगा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको प्रॉब्लम का वीडियो हम अपलोड करेंगे ढेर सारा, और तब आपको और ये क्लियर होगा। फिलहाल आप सभी इसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा और इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ब्रेन में बस जाएगा, ठीक है। पहले आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, हम पहले ही प्रॉब्लम बना के अगर आपको दिखाएंगे तो हो सकता है आपको इंडक्शन मिले लेकिन आपको अपने सोचने की क्षमता कमजोर होगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट पढ़ो और कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए, और आपको बहुत धन्यवाद के साथ जय हिंद जय भारत।